Village within a ring road, LB Nagar, Apple Road. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. So friends, कैसे हैं आप लोग? Hopefully आप लोग सभी को बहुत अच्छे. So friends, वो दिन आ चुका है जब हम लोग हैदराबाद आए थे, हैदराबाद से कलकत्ता, अभी कलकत्ता से वापस जा रहे हैं. ये ब्लॉग भी बहुत मजेदार होने वाला है. आई होप आप लोगों ने लास्ट दो ब्लॉग देखा था. अभी इस ब्लॉग में जो हम लोग कवर करेंगे वो है कि हैदराबाद से कोलकाता से हैदराबाद कैसे जाना है और रोड का कंडीशन क्या है. आई विल टॉक एवरीथिंग. अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और घर के पास में पेट्रोल पंप में है. पेट्रोल लेंगे यहाँ से फुल टैंक, फर्स्ट फुल टैंक, और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे. सो अभी बज रहा है शाम का 7:15 और 9 किलोमीटर्स अभी हम लोग घर से चले हैं. पेट्रोल पंप थोड़ा दूर है क्योंकि ये वाला पेट्रोल पंप अच्छा है. यहाँ से लेना है साउथ सिटी मॉल के बाजू में, ये पेट्रोल पंप यहाँ पे लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग चले. हाँ, तुम खाते जाओ. सो बिल्कुल विदा देर करते हुए ये ब्लॉग जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है. थ्रू आउट जर्नी बहुत मजा आएगा. होल नाइट चलाना है. कल का टारगेट है सुबह 5 बजे तक भुवनेश्वर पहुंचना. पता नहीं, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा, बट जैसा जैसा होगा आई विल गिव यू द अपडेट. सो स्टे ट्यून, बहुत मजा आने वाला है. ये ओ चाचा, चलो चाचा. चलो चाचा, पेट्रोल लेना है चाचा. पेट्रोल ले लिया हम लोगों ने और अभी हम लोग अनवर्षा होके और हुगली ब्रिज पकड़ेंगे. सो अभी थोड़ा ट्रैफिक तो मिलेगा बिकॉज हम लोग शाम को निकले हैं, बट निकलने का मेन कारण ये है कि वाइजैक हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो थोड़ा रेस्ट लेने का टाइम भी मिलेगा. और अभी ये साउथ सिटी मॉल है, साउथ सिटी मॉल क्रॉस करके लेक गार्डन्स लेके हम लोग सीधा लैंड्स डाउन होके वी विल टेक AGC बोस रोड एंड देन वी विल टेक फ्लाई ओवर, हुगली फ्लाई ओवर, और उसके बाद सीधा कोना एक्सप्रेस पकड़ के वी विल गो स्ट्रेट. 400 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑन टू डबोकी कुमार बोस सरानी लेक गार्डन्स रोड. लेक गार्डन्स सम्थिंग लाइक अ वन. इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑन टू डबोकी कुमार बोस सरानी लेक गार्डन्स रोड. सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग छोड़ के जा रहे हैं कोलकाता और ये है कोलकाता का आइकनिक हुगली ब्रिज. और हम लोग को यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था. ऑब्वियसली शाम का टाइम है. जय गंगा माँ, जय गंगा माँ. निचरा की सुन लो, लाचे ना नीचे देख, दारू नीचे देख. सो नीचे माँ गंगा बहुत ही प्यारा व्यू आता है रात के टाइम में. मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ बोल के. सो हाँ, अभी हम लोग का यहाँ पे पहुँचने में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा तो लगी गया घर से. ट्रैफिक तो होगा, रात का टाइम है, ट्रैफिक होगा, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम. हम लोग का ये प्लान में ही था कि जल्दी निकल जाने का, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो फ्रेंड्स, सजेस्टेड यही रहेगा कि जितना भी हो सके रात को ही निकले या फिर सुबह निकले क्योंकि शाम के टाइम में सच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही रहता है और वो टाइम एडजस्ट हो जाता है. आप अगर ट्रैफिक में निकलोगे और सुबह में निकलोगे तो वो टाइम एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 2-3-4 घंटे इधर उधर होगा ट्रैफिक में. मैं जैसे अभी फंस गया हूँ तो अगर मैं 10-12 बजे के बाद निकलता तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम.
काफी दूर हम लोग अभी आ चुके हैं। हम लोग खड़गपुर क्रॉस कर गए, गोलाघाट तो 9:20 में क्रॉस कर गए, खड़गपुर 10:20 में क्रॉस कर गए। सो ये पॉसिबल हुआ क्योंकि रोड में ट्रैफिक उसके बाद काफी कम था और अभी फुल स्पीड में गाड़ी चल रहा है। फुल स्पीड मतलब 80 टू 100 के बीच में, उससे ज्यादा मैं कभी उठाता नहीं। और थोड़ा सा रोड पीछे खड़गपुर के बाद थोड़ा सा रोड खराब मिला था, थोड़े डाइवर्सन थे। अभी जो रोड हम लोग जा रहे हैं वो सीमेंट वाला रोड है, तो यहाँ पे थोड़ा गाड़ी ऊपर नीचे होता है। ये वाला रोड एक बार निकल गया तो उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। अभी बज रहा है रात के 11 और लग गया भूख, सानवी सो गई शाम को ही, तो अभी तो वो उठी नहीं, उठेंगे तो कुछ ना कुछ खिला देंगे। और हमको स्वामी को लग गया भूख, तो मम्मी ने थोड़ा सा घर में पराठा और सब्जी बना के दिया था, वही एक बार हम लोग खा रहे हैं। अभी रुकने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि रोड में आपको दिखाता हूँ एकदम जेट ब्लैक है, तो इस रोड में कहीं रुकने का तो जगह नहीं है। सो कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ, स्वामी थोड़ा खिला देना है मेरे को, तो स्वामी थोड़ा बहुत खिला दे रही है मुँह में और हम बोला कि चलो ठीक है क्योंकि ये रोड पे रुकने का एकदम जगह नहीं है। आपको मैं सामने रोड का व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखो ये रोड का व्यू है, अगर मैं अपना हेडलाइट बंद करूं तो आप देखो कैसा है। सो फुल जेड ब्लैक रोड है। और ये वाला जो स्ट्रेच है ये थोड़ा सीमेंट वाला रोड है बोल के थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा स्पीड चलाने भी नहीं होता, लेकिन ये रोड एक बार निकल गया ना, ये है यार ये काफी मतलब 50-60-70 किलोमीटर तो होगा, ये एक बार निकल गया तो आई थिंक फिर ठीक है। बालासोर हम लोगों ने अभी पीछे देखा, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा है ना बालासोर, हाँ नहीं बालासोर कितना बता रहा था वहाँ पे 76 समथिंग ना। सो पीछे एक बोर्ड देखा था वहाँ पे बालासोर 76 समथिंग बता रहा था अभी, तो पहुंच जाऊंगा प्रॉब्लम नहीं है। अभी 5:25 दिखा रहा है भुवनेश्वर, ठीक है। सो घर से जब स्टार्ट किया था तो 5:05 पे हम लोग का पहुंचने का टाइम था, गाड़ी मैंने कहीं पे ब्रेक नहीं लिया अभी भी, तो वो टाइम घट के 4:30 हो गया। सो आई सेव गूगल टाइम को मैंने बीट करते हुए 30 मिनट, आई सेव्ड इट बिकॉज ब्रेक नहीं लिया बोल के। सो दिस इज पॉसिबल इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेक, सो यू कैन बी ऑन टाइम, दैट इज ट्रू। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे हैं वो है बालेश्वर खड़गपुर टोल प्लाजा, और ये टोल प्लाजा क्रॉस करने में हमें अराउंड अभी 11:20 हो रहा है, सो इतना टाइम लग गया। और ये टोल प्लाजा के बाद हमारा अभी भी भुवनेश्वर का टाइम दिखा रहा है 5:05, 5:05 और पहुंचने का टाइम है सुबह का 4:25। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बालासोर। सो बालासोर में आपको दिख रहा होगा रोड का डाइवर्शन वगैरह, ब्रेकर्स भर भर के ब्रेकर्स है, रोड का हालत भी थोड़ा खराब है। और अभी पक्का बज रहा है 12:10 रात का नहीं, अब तो सुबह हो गया, सुबह का 12:10 और हम लोग पहुँचे हैं बालासोर, शाम को 7 बजे निकले थे। और अभी रोड पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, रोड का कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। सो एक बार ये बालासोर क्रॉस हो गया तो देन द हाईवेज आर प्रीटी गुड। सो अभी चलो डायरेक्ट सुबह बात करते हैं, नींद तो नहीं आ रहा अभी मुझे, लेकिन अभी 4 घंटा है
अप्रोक्सीमेटली 197 किलोमीटर भुवनेश्वर। सो अभी डायरेक्ट चलते हैं भुवनेश्वर, फिर बात करते हैं आप लोगों से। सो ये रहा बालासोर का डाइवर्शन, और काफ़ी बड़ा बड़ा है यार, मतलब अभी ये पता नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे रात के 2 और फिर से एक टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, और थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है। 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। ये लोग गाड़ी में अभी भी सो रहा है, ये देखो गाड़ी में सब सो रहा है, और जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं सब टोल प्लाज़ा पे आके थोड़ा रेस्ट लेता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है टोल। सो अभी तक 350 किलोमीटर चला लिया, 7 बजे निकला था और अभी सुबह के 2 बज रहे हैं। एस्टिमेटेड टाइम गूगल में दिखा रहा है अभी भी 2 घंटा 5 मिनट। सो 4 बजे तक भुवनेश्वर तो पहुंच जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी भुवनेश्वर हमारे गूगल में दिखा रहा है 1 आवर 47 मिनट्स और 89 किलोमीटर्स। हमारा मीटर में हम अभी तक चल चुके हैं 360 किलोमीटर्स, और अगर मैं आपको इग्निस का माइलेज दिखा सकूँ तो इट इज़ लाइक 19.2 एवरेज निकल के आ रहा है अभी, क्योंकि मैं काफ़ी घिंचा था गाड़ी, क्योंकि इतना टाइम लग गया था सिटी में, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के खींचना ज़रूरी था, नहीं तो काफ़ी डिले हो जाता। सो इसके वजह से बहुत खींच के चलाने के बावजूद भी ये 19.2 में ही आ रहा है, सो विच इज़ वेरी गुड। और अगर मैं नॉर्मली 80-100 के अंदर में चलाऊं, सो आराम से 2021 तो चला ही जाएगा माइलेज। वो मेरे आने वाले ब्लॉग में मैंने आपको देखा था, आते वक्त मैंने ज़्यादा तेज़ चलाया नहीं था, सो माइलेज बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है यार। 19 ऑन हाईवेज और 100 प्लस स्पीड में 19 आई थिंक अच्छा अच्छा माइलेज है। सो 19.2 अभी भी दिखा रहा है, और रोड्स आर गुड। बालासोर के बाद रोड बहुत अच्छा हो गया है और स्मूथ राइड है। भुवनेश्वर में भी 87 किलोमीटर, रोड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी टाइम हो रहा है 2:25 और आई थिंक भुवनेश्वर पहुंचने में और लगभग 2 घंटा तो सुबह हो ही जाएगा, और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे वाइज़ा, क्योंकि मैक्सिमम 1000 किलोमीटर अगर एट ए स्ट्रेच चला लेते हैं तो फिर नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी कम किलोमीटर्स बचेगा, दैट इज़ अ गुड थिंग। नहीं तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है कि यार अभी भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। सो मैक्सिमम फर्स्ट डे में खींचने का फ़ायदा यही है कि सेकेंड डे में मेंटली पीस रहता है कि चलो ठीक है 500-600 जाएंगे तो फिर विल रीच होम। सो रोड्स आर गुड, बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक जैसे ही दिन होता है देन आई विल कंटिन्यू, मैं आपको रोड दिखाऊंगा। रात का कंडीशन तो आपको दिख ही रहा होगा, रोड्स आर ब्यूटीफुल, और सुबह होते ही मैं फिर शेयर करता हूँ आपके साथ रोड कंडीशन। सो फ्रेंड्स, फाइनली सुबह होने को है, और जैसा कि आपको रोड दिख रहा होगा एकदम पहाड़ों के बीचों बीच, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग भुवनेश्वर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:50। हम लोग पक्का 4 बजे भुवनेश्वर क्रॉस किए हैं, और अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हम लोग का विशाखापट्टनम, जो कि और 7.5 घंटे का जर्नी है यहाँ से, और किलोमीटर है 391। ओवरऑल जो भी नाइट का ड्राइविंग था वो धीरे धीरे ख़त्म होने को है, और अभी सुबह हो गया,
काफी अच्छा वेदर, ठंडा ठंडा में हम लोग काफी सारा डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर कवर कर लिए। नेशनल हाईवे पे सुबह का जो व्यू है ना वो इतना जबरदस्त लगता है, क्या बताऊं। इधर देखो पूरा माउंटेन्स, और थोड़ा थोड़ा सुबह हुआ और बहुत जबरदस्त लगता है यार। अभी जैसा आप मीटर देख सकते हैं 500 किलोमीटर चल चुका है अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटा, और अभी और 10 आवर्स का जर्नी बाकी है टिल विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे हैं वो है चिल्का, और ऑब्वियसली चिल्का का व्यू जो है वो तो सॉलिड है भाई, सॉलिड है, मतलब मैं बता नहीं सकता। पूरा पहाड़ों के बीच में अमेजिंग व्यू, हर तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली, और इधर है चिल्का लेक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है यार ये जगह। सो मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा चिल्का लेक का व्यू देने का। वो देखो वहां पे चिल्का लेक, लेक तो खैर दिखेगा नहीं क्योंकि काफी सारा पेड़ वगैरह है, लेकिन इसके पीछे में ये चिल्का है। और ये रोड जो है, ये रोड तो इतना खूबसूरत लगता है ना, तो एकदम पहाड़ के बीच में वो देखो चिल्का, चिल्का दिख रहा है। और ये है नेशनल हाईवे 16, पहाड़ों के बीचों बीच। कैसा है? बोल बे। तो फ्रेंड्स फाइनली चिल्का क्रॉस करके हम लोग को एक मिला चाय का दुकान, और यहाँ पे थोड़ा पीना चाय यार सुबह सुबह। अब चाय नहीं पियेंगे तो फिर सो जाएंगे। चिल्का रोड, तो हम लोग टाइम तो मैनेज कर लिए, 12 बजे तक भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। वी हैव इनफ टाइम इन हैंड, तो प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग का 747 किलोमीटर गाड़ी चल गया है, और अभी बज रहा है सुबह का 8:30 8:30, और एक दो बार नींद आया था, रुका रोड पे, रुक के थोड़ा पानी वानी दिया, थोड़ा खाना वाना खाया, तो अभी फिर ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सो बेटर यही है कि रुक रुक के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जैसा, क्योंकि कंटिन्यू चलाने में इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट। सो विशाखापट्टनम इसलिए मैंने डायरेक्ट चलाया क्योंकि एक बार में मैक्सिमम स्ट्रेच में निकाल दिया, और बाकी जो कल का रहेगा वो फिर
कम है, वो जल्दी से निकल जाएगा, वो सिर्फ 12 घंटे का जर्नी है, सो सुबह सुबह निकलेंगे तो वो जल्दी हो भी जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। सो श्रीकाकुलम 24 किलोमीटर्स, और हाँ श्रीकाकुलम 24 किलोमीटर्स है। विशाखापट्टनम लास्ट बोट भी देखा था 140 समथिंग, तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी विशाखापट्टनम जाने के रूट में अभी छानवी उड़ गई, और क्योंकि अभी 9:45 बज रहा है तो उसको नाश्ता देना बहुत ज़रूरी है। कल रात को सिर्फ एक रोटी खा के सो गई थी, तो अभी ऐसे टोल प्लाजा से पहले एक टिफिन सेंटर मिला, वहाँ पे अभी करेंगे थोड़ा सा नाश्ता। ये लोग इडली खा रही है और मैं फ़िलहाल कुछ नहीं खाऊंगा, मैं रोटी खाते खाते आया था। कैसा बना है? अच्छा बना है, चलो खा लो। सो एकदम टोल प्लाजा के पास में एक रेस्टोरेंट है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग का सुबह का नाश्ता हो गया, और अभी बज रहा है 9:18 और सानवी मस्त सो के उठे। मामा घूमो ही तुम रात मस्त रात को सोई है और सारा रात सो के अभी वो एकदम फ्रेश होके उठी है, ये सही है। सो अभी फिर से हम लोग सफर स्टार्ट कर दिए है, अभी 104 किलोमीटर है वाइजैक, वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद फिर विल सी कि आगे क्या करना है। रोड्स आर गुड, रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, रोड लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइस। सो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था कि अगर आप विजयवाड़ा टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया स्टॉल खुला है, ये देखो हाईवे नेस्ट बोल के, और ये आपका NHAI का ही अंडर में आता है, काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी सारा सामान आपको मिल भी जाएगा, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स बिस्किट, इज़ वेरी नाइस यार। अगर आप लोग को रोड के लिए कुछ लेना है तो आप लोग यहाँ से बिंदास पैक कर सकते हो, चिप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सिक एकदम विजयवाड़ा हाईवे टोल गेट क्रॉस करने के जस्ट बाद में एकदम। तो फ्रेंड्स वो लोग अभी सो रहे हैं गाड़ी पे, मैं अभी थोड़ा सा रुका हूँ, थोड़ा रेस्ट लूँगा 2-4-5 मिनट, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा जर्नी को, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। फाइनली प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि अभी हम लोग विजयवाड़ा बोल रहे हैं, अभी हम लोग वाइजैग विशाखापट्टनम क्रॉस कर गए और टाइम हो रहा है 10:23, एकदम सुबह सुबह बिफोर टाइम क्रॉस कर गए। सो अभी हम लोग सिटी में नहीं गए, हम लोग अभी डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं टूवर्ड्स विजयवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे रुक के टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। सो क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी है और शाम और रात भी बाकी है, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ड्राइव को कंटिन्यू रखते हैं और विजयवाड़ा की तरफ अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो विजयवाड़ा यहाँ से कितने किलोमीटर है, 360 के लगभग किलोमीटर, 360 मोर, और टाइम लगेगा कितना लग रहा है यहाँ पे स्वामी? टाइम लगेगा 5:10 शाम को। टोटल कितना घंटा कितना लग रहा है इसमें विजयवाड़ा पहुँचने में? 6 आवर 45 मिनट मोर फ्रॉम हेयर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे रुक के फ़ायदा नहीं था क्योंकि अभी इतना सुबह सुबह, अभी जाओ होटल में चेकिंग करो ये वो करते करते अभी ऐसे ही हालत ख़राब हो जाएगा, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, होटल हम लोगों ने बुकिंग किया भी नहीं था। सो हम लोग सोचे कि अभी छोड़ो जितना टाइम में जाएंगे सिटी में ट्रैफिक में फंसेंगे, होटल खोजेंगे उतना देर में यार, बेटर टू प्रोसीड। सो अभी सीधा निकलते हैं यहाँ से। देखो दिखर व्यूटा की सुंदर भूमि। सो वाइजैक का जो व्यू है ना वो जबरदस्त है यार,
और रोड तो अच्छा ही है, रोड इधर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, एकदम बटर स्मूथ रोड है। ये टोल के बाद में थोड़ा सा सीमेंटेड रोड रहता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड, बट उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद पूरा पिच आ जाएगा, पिच रोड। तो रोड लेके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो ओवरऑल मैंने रात को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे ड्राइव स्टार्ट किया था, अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू करना है। लेट्स सी कितना जल्दी पहुंच सकता हूं। सो फ्रेंड्स अभी बज रहा है 12 और हम लोगों को ये रेस्टोरेंट मिला, बहुत ही अच्छा है, होटल जैस, ये ऑन द वे में ही गिरेगा आपका, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, आप देख सकते हो। सो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे लंच और थोड़ा रेस्ट लेंगे, कार को भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे और फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो पहले लंच कर लेते हैं और फिर जब जर्नी कंटिन्यू करेंगे सो फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं, 100% रिकमेंडेड। और हम लोगों ने अभी सूप लिया और खाना राइस और नूडल्स आ रहा है। सो द रेस्टोरेंट एम्बियंस इज़ वेरी गुड, रेस्टोरेंट का नाम है होटल जैस और कार पार्किंग को भी लेके कोई प्रॉब्लम है नहीं, सामने पीछे गार्डन है, बच्चे भी खेल सकते हैं, सो यू मस्ट विजिट, आना चाहिए। सो फ्रेंड्स फाइनली हो गया लंच और हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, अभी सीधा चलते हैं घर के तरफ और अभी बज रहा है 1:30, मतलब 1:30 बज रहा है अभी, और हम लोग को अभी टोटल डिस्टेंस कवर करना है 574 किलोमीटर्स, जो कि एस्टिमेटेड दिखा रहा है 11:23 टिल हैदराबाद। सो अभी और बिल्कुल भी ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलेंगे, कॉन्स्टेंट चलाएंगे, थोड़ा मोड़ा ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, बट या कोशिश ये रहेगा कि जितना जल्दी हो सके विजयवाड़ा क्रॉस करें। और रोड्स आर अमेजिंग, जैसे कि आपको दिख रहा है रोड्स तो बहुत अच्छा है, व्यू देखो, व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का, सो अमेजिंग रोड, रुकने का कोई वजह नहीं है, सीधा चलते रहो। तो अभी हम लोग राजा मंदिरी जो गोदावरी रिवर है उसे क्रॉस कर रहे हैं और आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये, और ये ब्रिज जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद एकदम एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी लंबा है और विजयवाड़ा 161 किलोमीटर स्टार्टिंग में मैंने देखा लिखा हुआ था। सो ये करते हैं ख़त्म और फिर बढ़ते हैं विजयवाड़ा के साइड में। गोदावरी रिवर, बाप रे बाप, ह्यूज ह्यूज, बहुत बड़ा है ना, ह्यूज। মাঝখানে একটুখানি এ আছে। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ट्रिप का, कि हम लोग बहुत अच्छा टाइम पे विजयवाड़ा घुस गए हैं और सिटी क्रॉस भी कर जाएंगे आई थिंक ऑन टाइम। सो इससे क्या फ़ायदा है कि हम लोग को ज़्यादा ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा विजयवाड़ा का, और अभी भी कितना बजा, अभी 5 बज रहा है, सो काफ़ी धूप भी है यहाँ पे जैसा आप लोगों को दिख रहा है, और कुछ देर में हम लोग विजयवाड़ा क्रॉस भी कर जाएंगे। सो हम लोग जल्दी, मतलब बिफोर टाइम है, और गूगल में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 10:55 मतलब 11 बजे रात तक हैदराबाद वी विल बी रीचिंग। सो थोड़ा स्ट्रेस में चलाना दिक्कत तो हुआ, लेकिन कहीं रुक के टाइम वेस्ट करने से बेटर मेरे को लगा कि यार सीधा घर चलते हैं। सो मैंने ये डिसीज़न लिया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ऐसा ही डिसीज़न लें, आप लोग चाहें तो रुक के आ सकते हैं, आराम से इन्जॉय योर ट्रिप एंड देन टेक रेस्ट एंड देन कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि 1600 बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, और 500-700 तक भी चलो ठीक है, बट 1600 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो अभी भी मतलब 6 घंटे का अभी भी जर्नी है मेरा, मैं अभी ये सोचना छोड़ दिया हूँ कि कब पहुँचूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि बस चलाना है और 6 घंटे। सो
दैट इज द डिफरेंस कि अब मतलब मैं तो छोड़ दिया हूँ। अब मेरा हालत अभी ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता, बस रोबोट बन गया हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ और कुछ नहीं पता। घर पे जाके सीधा नहा वहा के सो जाऊँगा चुपचाप। हाँ स्वामी सही ना, और क्या सही, एकदम खा पी के नहा वहा के सीधा बेड पे। हाँ एकदम, खाना भी नहीं चाहिए, एक रात खाना भी नहीं मिलेगा तो चलेगा। हाँ सही में, खाना नहीं भी हो तो आज रात को चलेगा, सोना बहुत जरूरी है। सही बात है। सो फ्रेंड्स, विजयवाड़ा का खूबसूरती देखो, अमेजिंग यार अमेजिंग। मैं जब हैदराबाद से कोलकाता जा रहा था ना, उस टाइम में वो वाला जो वीडियो था वो देखना, वो एकदम अर्ली मॉर्निंग का था, और ये वाला अभी देखो एकदम इवनिंग का है। क्या मस्त लग रहा है यार, सच में अमेजिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये विजयवाड़ा वाला जो हाईवे है ये रात को बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम लाइटिंग वाइटिंग लग जाता है, और यहाँ पे जो भी माउंटेन्स वगैरह है उस पर पूरा लाइटिंग जलता है, अमेजिंग लगता है यार अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अभी हम लोग विजयवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं और 272 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली हैदराबाद, और मुश्किल से और 5 घंटा लग सकता है हम लोग को। सो जल्दी जल्दी चलाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 10:30 तक हम लोग हैदराबाद इन कर जाएंगे। और बताओ कैसा लग रहा है, घर पहुंच गए फाइनली? हाँ स्वामी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 24 आवर्स, 24 आवर्स से ज़्यादा बच जाएगा ना, 7 से 7 और 11 बजे का। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग ये फलकनामा जी, हाँ सो फ्रेंड्स हम लोग अभी विजयवाड़ा के आउटस्कर्ट में खड़े हैं, यहाँ से सीधा निकल जाएंगे, और ये नेशनल हाईवे 65 है, यहाँ पे थोड़ा रुका अभी, यहाँ पे थोड़ा चाय पीना है, चाय पियेंगे और फिर ग्लास साफ करना है, ग्लास का हालत बहुत ख़राब है, नहीं तो रात हो जाएगा अभी, तो फिर लाइट भी नहीं आएगा, लाइट का भी हालत बहुत ख़राब है, पूरा धोना पड़ेगा अभी। सो फ्रेंड्स फाइनल व्यू, दिन से रात होता हुआ नेशनल हाईवे 65 और फुल स्पीड घर के तरफ हैदराबाद, गूगल में आपको दिख रहा होगा 10:55 तक हम लोग पहुंच जाएंगे और हम लोग का ट्रिप एंड होने वाला है। सो अल्टीमेट बहुत मज़ा आया, अराउंड 26-27 घंटे का कंटिन्यू ड्राइव ही हो गया, रेस्ट तो लिया नहीं, बट फलकनामा एक्सप्रेस बन गया, फलकनामा एक्सप्रेस बन गया ना। सो स्वामी बोल रही है कि 27 आवर्स में तो फलकनामा एक्सप्रेस पहुंचा था, आप फलकनामा हो गए हो। सो वो भी मतलब स्टेशन टू स्टेशन, नॉट हाउस होम टू, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब होम स्पेस से, बट ये तो आपका हम लोग का 27 आवर्स जो है वो पूरा मतलब हैदराबाद होम से कोलकाता होम। हाँ एकदम अच्छा, मतलब तुम बोलना चाहते हो कि स्टेशन टू स्टेशन नहीं, सीधा घर टू घर। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, तब तो फिर एफिशिएंट है, फलकनामा से भी अच्छा सर्विस दिया हूँ मैं। सो अच्छा मजा था, मजा बहुत मजा है, रोड 2 घंटा पहले स्टेशन पहुंचो, हाँ 2 घंटा सारा टाइम सेव हो गया, तो 4 आवर्स तो वैसे भी कहीं नहीं गए। सही बात है, और रोड आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा देर में, ईस्ट कोस्ट थे जाने के टाइम, ईस्ट कोस्ट था ना, हाँ सही है, और बस थोड़े देर में अभी रात हो जाएगा, उसके बाद तो फिर अंधेरा, जेड ब्लैक रोड, और उसके बाद फिर निकल जाएंगे। सो ओवरऑल अच्छा ट्रिप, बहुत अच्छा था, मतलब आई इन्जॉयड, ठीक है थोड़ा थोड़ा हेक्टिक था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही हेक्टिक था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आई रियली इन्जॉयड, क्योंकि वो घर लौटने की खुशी अलग होती है। सो आई थिंक दिस वॉज ए माइंड ब्लोइंग ट्रिप, और कुछ देर में हैदराबाद पहुँच जाऊँगा, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ट्रिप। यस सो फ्रेंड्स फाइनली हैदराबाद पहुंच गए हैं, और टाइम हो रहा है 10:53, सो वी आर राइट ऑन टाइम, और हैदराबाद पहुंच गए हैं आफ्टर 27
hours of journey. So it was a great journey altogether. So बहुत मजा आया. होपफुली आप लोग को भी अच्छा लगा होगा. और अगर आप लोग को और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना और लेट मी नो कि आपको ब्लॉग कैसा लगा. सो फ्रेंड्स, कल का ट्रिप बहुत अच्छा था. कल और एनर्जी नहीं था वीडियो कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए हम लोग सीधा घर में जाके गाड़ी पार्क करके सो गए. और आज सुबह में मैं फिर से निकला हूँ गाड़ी को क्लीन करने. गाड़ी का हालत बहुत खराब है. सो एनीवे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. 27 आवर्स का टोटल जर्नी था मेरा, विच वॉज लिटिल बिट टायरिंग लास्ट में, और ताकत नहीं था. तो कंटिन्यू स्ट्रेच एट ए स्ट्रेच ड्राइव मत करना. अगर हो सके कहीं पे रेस्ट ले लेना, दैट इज अ गुड ऑप्शन एक्चुअली. और मुझे क्या था कि मुझे घर पहुंचना था, और मतलब घर में आके ही आराम करना था बोल के मैंने कंटिन्यू ड्राइव कर लिया. बट एनीवे, इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू पोस्ट फॉर. बाय बाय.